दोस्तों, स्मार्टफोन तो आप सभी यूज करते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है सिम कार्ड कैसे काम करता है? सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? आपको मैं आज इस वीडियो में पूरी पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें आपको सिम कार्ड के बारे में कोई भी डाउट ना रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कंवर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मोबाइल फोन आजकल बच्चों के हाथों में आ गया है। ऐसा भी कह सकते हो कि मोबाइल फोन आजकल एक खिलौना बन के रह गया है। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े लोग, जो अमीर लोग हैं, वो ही मोबाइल खरीदते थे, लेकिन आजकल यह बच्चों के खेलने का एक स्मार्ट आइडिया बन चुका है। इसमें चाहे आप पबजी का नाम ले लो या कोई और गेम ले लो, बच्चा जब शुरू में अरे परे की चीज़ें देखना शुरू करता है, तब से लेकर मोबाइल ही पकड़ता है। पहले लोग क्या कहा करते थे, आपने ज़रूर सुना होगा। पहले लोग कहते थे, घर में बीवी और टीवी का होना बहुत ज़रूरी है घर को सही ढंग से चलाए रखने के लिए। लेकिन यह आजकल बदल चुका है। लोगों का यह ख्याल इस प्रकार बदला है कि लोग कहते हैं, जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन एक मोबाइल तो होना ही चाहिए, साथ में डाटा भी उसमें होना चाहिए। मोबाइल से पहले वॉइस कॉल की जाती थी, साथ में टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जाता था, लेकिन यह आजकल बदल चुका है। जब से इंटरनेट आया है, तब से आप लोग इसमें वीडियो गेम ऑडियो टेक्स्ट मैसेज सब कुछ देख सकते हो। यहाँ तक कि जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, यह भी इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट के लिए मोबाइल में एक सिम कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, सिवाय डाटा कनेक्शन के लिए आपने वाईफाई का कनेक्शन ना लिया हो। तो आपको यह जानना ज़रूरी है, बनता भी है, कि सिम कार्ड काम कैसे करता है, सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं अब बताता हूँ आपको सिम कार्ड के बारे में। इतु सा सिम कार्ड पहले होता था, अब इतु से घटते इतु सा हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह गायब होने वाला है। ई सिम के नाम से जो कुछ ही सालों में आप देखेंगे, अभी जो सिम कार्ड आप यूज कर रहे हो, कुछ सालों में बदल जाएगा और उसका नाम हो जाएगा ई सिम, जो मोबाइल में ही पड़ी होगी। जब आप नया फ़ोन खरीदते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकोगे, सिर्फ आपको उसमें मैसेज के जरिए, एक लिंक के जरिए आपको यह बताना होगा कि मैं यह नेटवर्क को यूज करना चाहता हूँ। उसके बाद वह जो ई सिम उसके अंदर पड़ी होगी, वह उस नेटवर्क का काम, उस नेटवर्क को लेना शुरू कर देगी। सिम कार्ड का पूरा नाम, इसको आप फुल फॉर्म भी कह सकते हो, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। जो छोटा सा सिम कार्ड होता है, इसकी भी अपनी मेमोरी होती है। यह कह सकते हो कि इसका अपना दिमाग होता है। जो यह इतना सा सिम कार्ड होता है, इसके दिमाग में, यानी कि इसकी मेमोरी में, इसका अपना नाम, ऐसा कह सकते हो कि इसका फोन नंबर और अपने बाप का नाम, ऐसा कह सकते हो कि जिस कंपनी का आपने सिम कार्ड लिया है, उसका नाम इसमें होता है। इसके साथ साथ इसमें आप 250 के आसपास नंबर को सेव कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज सेव कर सकते हो। ऐसा भी कह सकते हो कि जो आपके मोबाइल में छोटा सा सिम कार्ड पड़ता है, यह आपके मोबाइल के लिए छोटा सा दिमाग का काम या मेमोरी का काम भी कर सकता है। यह हमेशा अपने चारों तरफ के नेटवर्क को ढूंढते रहता है, और जहाँ का नेटवर्क उसको सबसे बढ़िया क्वालिटी का लग मिले, उस नेटवर्क को अपने आप स्विच करता रहता है। आपके पास कौन सा मोबाइल है, 1000 रुपये का या 1,00,000 रुपये का, जैसे आईफोन है, जिसमें भी आपको
सिम कार्ड ना हो वह फ़ोन किसी काम का नहीं, चाहे वो 1.5 लाख 2 लाख का ही क्यों ना हो। तो आपको सिम कार्ड का उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का आईफोन है और आपने उसमें सिम डाल रखा है जिसका रेंज आपके घर तक भी नहीं है, तो आप मेरी वीडियो को चलाते बार वह आनंद नहीं ले पाएंगे जो वह 1 लाख रुपए का फ़ोन देता है। तो आप यह कह सकते हो कि सिम कार्ड जो है यह मोबाइल का एक महत्वपूर्ण सबसे महंगा सिस्टम है, लेकिन आता बहुत ही सस्ता है। तो आपने देखा कि सिम कार्ड कैसे एक छोटे से फ़ोन को और 1 लाख रुपए के फ़ोन का सिस्टम चेंज कर सकता है। आजकल यह सिम कार्ड इतना सस्ता हो गया कि हो सकता है आपको सब जो इसके सर्विस प्रोवाइडर है आपको फ्री में सिम कार्ड दे दे, नहीं तो आपको 150-200 रुपये में यह सिम कार्ड मिल जाएगा। सिम कार्ड कई प्रकार के डिवाइसेस में यूज किया जाता है, जैसे स्मार्ट वॉचेज, कैमरा, कंप्यूटर में, डोंगल में, जो इंटरनेट को उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। जब फ़ोन को आप सबसे पहले स्विच ऑन करते हो तब फोन आपके सिम कार्ड को एक संदेश यानी कि सिग्नल भेजता है, तभी यह सिम भी एक्टिवेट हो जाती है। साथ में यह एक सिग्नल अपने चारों तरफ भेज देती है और जहां पर उस नेटवर्क का टावर लगा होगा उस जो यूनिक कोड होगा उसको प्रोसेस करेगा और वापस भेजता है सिम कार्ड के पास, और सिम कार्ड उसको प्रोसेस करके उसको लॉक करता है और उस सिग्नल को वापस उस टावर को भेजता है। उसके बाद आपका और उस टावर के साथ लिंक बन जाता है। उसके बाद आप लोग किसी बंदे को किसी भी प्रकार का नेट इंटरनेट जो भी हो आप यूज कर सकते हो और वो सिम आपके लिए एक्टिवेट हो जाती है। आखिर में आपको अब पता चल ही गया होगा कि सिम कार्ड क्या है, इसका काम क्या है। पहले सिम बड़ी होती थी, उसके बाद नैनो हुई, अब ई सिम आ गई है, लेकिन इंडिया में अभी तक इसका पता नहीं है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो ई सिम का अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में ई सिम का प्रचलन शुरू हो जाए और आपको जो अभी ये एक्स्ट्रा सिम डालनी पड़ती है वह सिस्टम बंद हो जाए। आपको अगले वीडियो में जल्द ही आपको ई सिम के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें, कुछ भी काम की बातें भी कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी करना हो आपकी इच्छा है आप कर दीजिए। आपका इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा।